डियर स्टूडेंट, हियर आई एम संगीता। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 10, दैट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ क्लास 7। एज वी हैव स्टडीड अबाउट द रेस्पिरेशन इन सम एनिमल्स, एनिमल्स के बारे उनके रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा। सो आज हम थोड़े बहुत और रेस्पिरेशन जो मैमल्स में होते हैं वो भी हम देख लेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, दैट इज फिश के बारे में पढ़ा, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में देखे थे। तो आज हम एक्वाटिक एनिमल्स के साथ में हम ये हमारा जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से ऑक्सीजन या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज करते हैं, एंड अर्थ वॉर्म एंड लीचेस किस तरीके से गैस को एक्सचेंज करते हैं। तो आज हम एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, दैट इज फिश। जैसे कि फिश जो वाटर एनिमल्स होते हैं, जो वाटर में जो एनिमल्स देखने को मिले या तो फिर सर्वाइव करते हैं, वैसे एनिमल्स को हम एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो वही एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं एग्जाम्पल में दिया गया है फिश, उनके पास में गिल्स होती है ताकि वो क्या कर सकते हैं, ब्रीद कर सकते, दैट इज सांस अंदर ले सकते और रिलीज कर सकते। तो वैसे ही एज वाटर फ्लो ओवर द गिल्स, जैसे कि वो लोग पानी में ज़्यादा देर रहते हैं, वो फिश जो है या तो फिर एक्वाटिक एनिमल्स जो रहते हैं वो वाटर एनिमल्स होते हैं, तो वाटर के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, तो उनके गिल्स के ऊपर भी क्या होता है, वाटर जो है वो प्रेजेंट होती है, या तो फिर वाटर के अंदर रहने की वजह से उनका जो गिल्स है वो किससे कवर अप रहता है, दैट इज वाटर से कवर अप रहता है। तो जब भी वो अगर स्विम करे तो उनके जो गिल्स हैं वो वाटर के साथ में फ्लो करती है, तो उस क्या होता है, जो ऑक्सीजन है या तो फिर उनके जो बॉडी के अंदर इतने नंबर्स ऑफ कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज क्या होता है, दैट इज अ ब्लड वेसल्स, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स उनके बॉडी टिश्यूज में लगी रहती है, तो वो टिश्यूज के थ्रू क्या होता है, वो ब्लड जो या तो फिर ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होता है। द नंबर ऑफ कैपिलरीज आर प्रेजेंट ऑन द गिल्स, जिसके वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, वो हो सकता है। और कैसे टाइप का ऑक्सीजन, दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो उनके गिल्स के थ्रू अंदर जाता है बॉडी में और रेस्पिरेशन का प्रोसेस वहाँ पे होता है। सो अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसे, वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, और वैसे ही डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है उनके बॉडी के थ्रू, और जो भी एनर्जी फॉर्म हुई वो एनर्जी को वो स्विम के लिए या तो फिर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जो भी वो प्लांट्स खाते हैं, जो भी उनका जो फूड कंज्यूम होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो एनर्जी यूज होती है। नाउ दूसरा है, एयर होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर्स। अब ग्रास होपर्स और कॉकरोचेस के बॉडी में, जैसे कि कॉकरोच की बॉडी कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है, उसमें ऐसे लाइन्स प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, और ये सेगमेंट के साइड पे क्या होते, छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो होल्स के वजह से, वो होल्स के वजह से ही क्या होता है, जो एयर है वो एक्सचेंज होता है। तो वही ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं उनके सेगमेंट पे, उनके बॉडीज पे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल बोलते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, जो भी ऑक्सीजन है या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंदर ले जाना और बाहर रिलीज करने का काम करता है। नाउ ग्रास होपर्स एंड कॉकरोचेस, एयर एंटर्स द इंसेक्ट बॉडी थ्रू द स्पाइरिकल्स। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ग्रास होपर और एक कॉकरोचेस के पास में ही क्या होता है, स्पाइरिकल प्रेजेंट होता है। एयर एंटर्स द इंसेक्ट बॉडी थ्रू द स्पाइरिकल्स एंड इज कैरिड थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स। और ये जो है, जब स्पाइरिकल के थ्रू यहाँ से वो जो ऑक्सीजन है वो अंदर गया, तब उसके बाद में ऑक्सीजन को लेकर जाने में उनकी बॉडी जो है वो यूज अप करे या तो फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने के लिए कुछ ट्यूब्स हैं, उस ट्यूब का नाम क्या है, ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू क्या होता है, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहता है वो कैरी करते हैं उनके होल बॉडी में, उनके पूरे बॉडी में फिर ऑक्सीजन पहुँच जाता है। मोस्ट मैमल्स, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट, दैट इज मोस्ट मैमल्स सच एज कैट। अब मैमल्स क्या होते हैं, दैट इज इन हायर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में लंग्स होता है फॉर रेस्पिरेशंस। सो कैट, डॉग, मंकीज, देन हॉर्सेस,
ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, इनके पास में क्या होता है, ये सारे मैमल्स हैं और ये ब्रीद कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सैक कॉल्ड सैक लाइक स्पॉन्जी ऑर्गन। एक स्पॉन्जी ऑर्गन जैसा होता है जिसे हम बोलते हैं लंग्स, फेफड़े, जो हमारे जस्ट रिब केज के जस्ट पीछे होते हैं, वो हेल्पफुल करते हैं फॉर ब्रीदिंग। सो इन सारे एनिमल्स में क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन जो रहता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइडेशन जो है वो प्रोसेस क्रिएट होती है, वो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है रेस्पिरेशन लेने का, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अर्थवॉर्म जो है उनकी बॉडी में एक स्लाइम टिश्यू रहती है जिस वजह से वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल कर सकते हैं। जैसे कि कॉकरोच और ग्रास ओवर है उनके ऊपर स्पाइरिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिस वजह से वो एक्सचेंज ऑफ गैस कर सकते हैं। देन लंग्स है, लंग्स के वजह से ऑक्सीजनेशन एंड कार्बन डाइजेशन भी हो सकता है। देन उसके बाद एक्वाटिक एनिमल्स में गिल्स प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस हो सकता है। वैसे ही हम ह्यूमन बींग के बारे में स्पेसिफिकली हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग में किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है और उसमें कौन से ऐसे पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, जो आज हम देखेंगे कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो हमारे ह्यूमन बॉडी में चल रही है उसमें कौन से ऐसे पार्ट्स इन्वॉल्व है, उस पार्ट्स के नाम लिखे हुए। एज फॉर एग्जाम्पल, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो डाइजेस्टिव ट्रैक, देन ईसोफेगस, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, दैट इज़ अ यूनिट्स ऑफ एन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सेम रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी कुछ कुछ यूनिट्स है जिस वजह से रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है हमारे बॉडी में पॉसिबल हो सकती है। और उसमें भी कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो परफॉर्म करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। सो फर्स्ट है नेजल कैविटी, दैट इज़ हमारे नोज की जो कैविटी होगी वो, फिर लैरिंग्स जो हमारे ये जो है, दैट इज एयर विंड विंड पाइप जो है वो लैरिंग्स के साथ में वर्क करेंगे वो, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई एंड लंग्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रोंकाई क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है, लंग्स क्या होते हैं, लैरिंग्स क्या होता है। तो हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ दीज फाइव टाइप्स एंड इन डिटेल वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।